पे आज हमारे साथ हैं राधे के गजानन भैया, यानी कि गज्जू सिंह शुक्ला, यानी कि सनी सचदेव। आपका स्वागत है यूमी और टीवी पर। थैंक यू सो मच यूमी एंड टीवी फॉर इनवाइटिंग मी एंड कैप्चरिंग माय स्टोरी। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझ पा रहा हूँ अपने आप को कि इतने ही बेहतरीन न्यूज़ चैनल ने मुझे कवर करने के लिए आए हैं। अच्छा, वैसे हम आप लोगों को बता दें कि हम सनी का फिटनेस स्टोरी करने आए हैं यहाँ पे। वो अपने आप को किस तरह फिट रखते हैं, 12 घंटे का शिफ्ट होता है, कैसे आप जिम जाते हो इतने हर रोज के शूट में? कभी कभी जैसे 9 से 9 की 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 9 से 9 एट टाइम्स। अभी हमारा जो सीरियल है वो नेक टू नेक चल रहा है, लाइक अब हम परसों अगर शूट करते हैं तो डे तो 2 दिन में 3 दिन में उसका ऑन एयर हो जाता है। सो अभी इतना हेक्टिक हो चुका है, अभी मतलब हम थोड़ा सा ओवर स्केड्यूलिंग भी करना पड़ता है कई बार, तो 15 आवर्स 16 आवर्स ऐसा भी शूट करना पड़ता है। बट उसके साथ साथ हमें अपने फिटनेस को भी टाइम देना पड़ता है। सो जैसे ही हमें पैकअप का ऑर्डर मिलता है, हम सीधा फटाफट वाले जिम भागते हैं, बिकॉज अगर आप फिट रहोगे तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। ऑलराइट, ठीक है, तो हम वक्त ज़ाया नहीं करते, पहले गज्जू भैया को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने देते हैं, उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। आइए चलिए चलते हैं। व्यूअर्स, मेरा जब भी वर्कआउट मैं स्टार्ट करने जाता हूँ तो मैं वर्कआउट से पहले, लोग आपने देखा होगा या फिर आप भी लेते होंगे प्री वर्कआउट, तो मैं प्री वर्कआउट के सोर्स में मैं सिर्फ कॉफ़ी, विच इज़ अ कैफीन, सो जो मुझे पूरे वर्कआउट के अंदर थकान, एंड्योरेंस, मेरी सब कुछ हिसाब से मेंटेन करके रखेगा और मैं थकूंगा नहीं, और मेरी फिटनेस का राज ये भी बहुत है। फर्स्ट आई विल गो विद माई कार्डियो सेक्शन, जो कि है मेरा ट्रेडमिल। सो सबसे पहले मैं ट्रेडमिल करूंगा और उसके बाद फिर हम स्पिन बाइक करेंगे, राइट? ओके, देन सी यू इन अ क्विक वायर। I'm done with my cardio, like I have done my treadmill part, I have done my spin bike. जो treadmill था, treadmill से मेरी endurance level बहुत अच्छी होती है, मेरा lower जो part है उसके लिए बहुत काम आया। Rest जो spin bike था, spin bike से मेरे leg movements बहुत अच्छे होंगे और मेरी legs बहुत tone होंगी। So इसलिए मैं दो workout को follow करता हूँ cardio के अंदर। और अभी अब आप देख सकते हैं पूरा terrace area है। ये था मेरा मसल सेक्शन पार्ट, जो कि मैंने आज किया है चेस्ट एंड बाइसेप्स। रीजन क्या है मैं डबल एक्सरसाइज करने का, कि आई वांट टू लूज माय वेट, सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस वाली वर्कआउट ज़्यादा कर रहा हूँ और ज़्यादा मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, जो कि मैंने अभी आपने देखा होगा पैक डेक किया। फर्स्ट पैक डेक से क्या है, जो मेरा ये जो मिड एरिया है उसको मैं बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर रहा था, सो दैट यू नो उस मिड सेक्शन पे उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़े और वो मेरा मसल बिल्ड हो। सेकेंड वर्कआउट हमने जो किया वो था हमारा हैमर कर्ल। हैमर कर्ल में मैंने डंबल्स से किया और डंबल्स जैसे ऊपर आ रहे हैं तो मेरा बाइसेप्स स्क्वीज हो रहा है और वो और टोनिंग हो रही है मेरे बाइसेप्स की। थर्ड वर्कआउट हमने किया था इजी कर्ल। इजी कर्ल्स में सेम प्रेशर आपके मसल्स पे पड़ता है, आपके बाइसेप्स पार्ट पे पड़ता है। सो तीनों वर्कआउट आप प्लीज़ अपने वर्कआउट में फॉलो कीजिए, आप उसमें ऐड ऑन कीजिए और रिजल्ट देखिए। रोप के साथ क्या
क्या कह रहे थे सनी आप, वो बड़ा मेहनत लग रहा था, वो देखते ही पता चल रहा। जो ये रोप वर्कआउट है ना, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक वर्कआउट है। मतलब मैं इसको हमेशा एंड में ही करता हूँ और एंड में आके हमेशा फंस जाता हूँ। अब मैं जब भी आऊँगा नेक्स्ट टाइम से इसको स्टार्टिंग में लूँगा, बिकॉज लास्ट में इसकी एनर्जी बचती नहीं है और इसने पूरी मेरे जो वर्कआउट की, जो मेरे जो पूरे ओवरऑल जो स्टेमिना थी उसकी बैंड बजा दी। अब मुझे जाके बस एक ठंडा सा अपना प्योर प्रोटीन पीना है, दैट्स इट। अच्छा, अगर कोई अगर टिप्स देना चाहे अबाउट वर्कआउट सनी, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? हाँ, जो मैं मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि एक तो डोप जो अपना जो सप्लीमेंट्स के फॉर्म में जो आजकल इंजेक्टेबल चीज़ें जो आ रही हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। प्लस ड्यूरिंग योर वर्कआउट पानी का खास ख्याल रखिएगा, और जितना आप पानी को बॉडी में डालेंगे उतना ही बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी और उतना ही आपको वर्कआउट करने में मज़ा आएगा। सो आपने देखा होगा मैं इन बिटवीन पानी पी रहा था, पानी बहुत ज़रूरी है। अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो आपकी बॉडी का फटीग लेवल आ जाएगा और आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो अपने पानी का खास ध्यान रखें और उसके बाद वर्कआउट के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। सो गाइज, और हमारी इंडस्ट्री में डाइट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज डाइट अच्छी नहीं होगी तो हमारा ओवरऑल डे का जो परफॉर्मा है वो सब वर्स हो जाएगा। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द एम्बियंस एंड द लोकेशन एंड द पीपल ऑफ गोल्स जिम ओशिवारा, व्हाट यू वांट टू से? पीपल आर अमेजिंग, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन आर हियर, जिनकी वजह से मैंने भी ज्वाइन किया था। पहले मैं कहीं और कर रहा था, सो उन्होंने मेरे को बोला कि प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ पर इवन जो यहाँ पे ट्रेनर्स है, इवन जो स्टाफ है, दे आर लाइक अमेजिंग पीपल। और जब आते हैं तो एक जो मीट एंड ग्रीट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन द फेस, वो बहुत ज़रूरी है कि आओ और आप एक हेक्टिक स्केड्यूल से आके आप देख रहे हो बोरिंग फेसेज, नहीं, यहाँ पे वो हमेशा 24 आवर आपको हंसते हुए मिलेंगे। सो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। लास्टली, हम देख रहे हैं गज्जू भैया को, तो इतने अच्छे शो, इतना अच्छा ट्रैक चल रहा है, शो भी इतना अच्छा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सनी? इनिशियली आई वॉज लाइक, मैं बहुत थोड़ा सा कहते हैं डिप्रेशन में था, काइंड ऑफ, क्योंकि एक तो मेरा लुक पूरा चेंज हो गया था। आई यूज टू कीप बियर्ड, तो बियर्ड से मुझे मूछें दे दी गई, तो पहले दो हफ्ते तो मेरे लिए ऐसे थे यार मैं करूँगा क्या इन मूछों का, तो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। सो जब एपिसोड्स ऑन एयर हुए, मतलब जब हम शूट कर रहे थे उस टाइम तक तो कुछ भी रिव्यूज़ नहीं थे, बट जब ऑन एयर गया तो सब ने मेरे इस लुक को बहुत अप्रिशिएट किया। मैं फिर खुद मोटिवेट हुआ कि हाँ, नाउ यू कैन स्टैंड इन योर ओन वे। सो वो चीज़ हुई। उसके बाद ट्रैक जब मेरा आया, मेरा और ललिया का जब ट्रैक आया, तो आप सभी ने इतना प्यार दिया और हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इवन शो को इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि जिसकी टीआरपी आपको पता ही है बहुत स्टार प्लस पे थर्ड या फोर्थ नंबर पे हमारा शो है, एंड वी आर ट्राइंग रियली हार्ड कि हमारा शो नंबर वन हो। थैंक यू सो मच सनी हमें टाइम देने के लिए। लवली मीटिंग विद यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच यू मी एंड टीवी। कैमरा पर्सन भुवन के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।